जय मसीह की। शुभ संदेश टीवी के सभी दर्शकों का प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में मैं स्वागत करती हूँ। कल का दिन गुड फ्राइडे का दिन मनाया जाता है। संसार भर में मसीही इस हफ्ते को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और कल के दिन वो प्रभु यीशु के क्रूस पर मारे जाने को याद करते हैं। आज जो गुरुवार का दिन है, 2000 साल से भी ज़्यादा पहले जब यीशु इस संसार में थे और क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण था कि आज का दिन उन्होंने अपने चेलों के साथ आखिरी बार वो अंतिम भोजन किया। इसी दिन में यीशु ने अपने चेलों के पांव धोए थे और उन्हें बताया था कि यदि उन्हें परमेश्वर के उस मकसद को पूरा करना है तो उन्हें एक चेले के रूप में बनना है, अपने आप को नम्र करना है। और उन्होंने न केवल इन बातों को अपने जीवन से सिखाया, अपने मुंह से बोलकर सिखाया, किंतु स्वयं अपने कार्यों से कर सिखाया। और आज जब वचन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, वह प्रभु यीशु के उस बलिदान पर है जो उन्होंने हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर किया। वचन कहता है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। किंतु जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हम पाप के लिए एक ही तरह से पापों की क्षमा पाई जा सकती थी, वह है लहू बहाकर। इब्रानी 9:22 में ऐसा लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और इसीलिए हम देखते हैं न केवल मसीहत में या न केवल बाइबल में पाप की क्षमा के लिए जानवरों का बलिदान किया जाता है, क्योंकि उसके द्वारा पापों की क्षमा पाई जाती है। और वचन में भी हम देख सकते हैं कि पुराने नियम में भी लोगों ने जो बैल बकरी और अलग अलग जानवरों का बलिदान किया और उसके द्वारा अपने पापों की क्षमा मांगी। किंतु इब्रानी लिखने वाला लेखक यहाँ कहता है 10वें अध्याय में कि जो कुछ हुआ पुराने नियम में वो तो क्या थी, एक परछाई थी। इब्रानी 10वां अध्याय उसके पहले पद से आगे यदि हम पढ़ें तो हम जानते हैं कि व्यवस्था में जो भी कार्य किए गए थे या व्यवस्था के द्वारा जो बलिदान वगैरह जो थे, वह एक परछाई थी। और इब्रानी 10वां अध्याय और पहले पद से आगे मैं पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदान के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। ये बताते हैं कि वो बलिदान जो वो हर वर्ष चढ़ाते थे वो उन्हें सिद्ध नहीं करती थी। हाँ, उनके पुराने उस साल के पापों की क्षमा के लिए वो बलिदान होता था। और वो क्या कहता है आगे, यदि वो सिद्ध करती नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते हैं तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहरा था। वो यहाँ कह रहा है यदि एक बार बलि चढ़ाने से उनके सारे पाप क्षमा हो जाते तो उनको बार बार हर साल वो बलिदान चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका विवेक साफ हो जाता। किंतु वो आगे तो ये भी कहता है, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। वो कह रहे हैं कि उन बलिदानों से बस उनके पापों का स्मरण होता था। हाँ, एक साल के पाप जरूर क्षमा हो जाते थे, लेकिन फिर वो जाते थे और उसी पाप में जीवन बिताते थे और अगले साल फिर आकर बलिदान चढ़ाते थे। ये था जो पुराने नियम में हो रहा था। और 4वें पद में कहता है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। ये अनहोना है, ये हो नहीं सकता कि बैल और पापों के बलिदान से पूरी तरह पापों की क्षमा मिल सके। तो फिर किस तरह हो सकता है पापों की क्षमा? ये 5वां पद कहता है, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने न चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार किया।
होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी कर सकूं। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। आज जो मैं वचन बांटना चाहती हूँ वो इस पद पर है कि यीशु मसीह के एक ही बार जो बलिदान उन्होंने किया, अपने जीवन को क्रूस पर चढ़ा दिया, उस बलिदान के द्वारा हम हमेशा के लिए अपने पापों से छुड़ा लिए गए हैं। यदि हम उस पर विश्वास करें तो हम पूरी तरह हर पाप से हम छुटकारा पा सकते हैं, पापों की क्षमा पा सकते हैं। हाँ, हम गलती करते तो हैं, लेकिन उसके लिए हमें कोई बलिदान देने की ज़रूरत नहीं है। हमें फिर से क्रूस पर चढ़ने की या कोई अपने ऊपर ताड़ना देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो सज़ा थी, पाप की जो सजा थी, वो यीशु ने ले ली है। हमें बस एकमात्र कार्य करना है कि उसे अपने हृदय में ग्रहण करना, मुंह से अंगीकार करना है, हृदय में मानना और इस बात को बोलना है, अंगीकार करना है कि वो हमारा प्रभु है और हमारे खातिर वो क्रूस पर मारा गया। इसीलिए यीशु का बलिदान परम बलिदान कहलाया जाता है। और आज जो मैं संदेश आपके सामने बांटना चाहती हूँ वो यही है कि यीशु का परम बलिदान। आखिरकार यीशु का वो बलिदान या क्रूस पर चढ़ाया जाना परम बलिदान क्यों कहा जाता है, हम इस बात को और देखेंगे। किंतु इसके पहले आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज ये वचन जो हम तक आ रहा है, आप इसे हमें और समझाएं और हमारी आत्मिक आंखें खुलने पाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आए प्रभु, यीशु के उस बलिदान को हम और प्रभु जी अच्छे से समझना चाहते हैं और हमारे जीवन में प्रभु जी उसके द्वारा वो छुटकारा पाना चाहते हैं। पवित्र परमेश्वर, आज हर एक जो आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके कानों में, उनके हृदयों में आप कार्य करें, उनके जीवन में आप कार्य करें, ताकि वो एक नए जीवन को पा सके। मेरे मुँह के बोलों को प्रभु आप अभिषेक से भरिए, ताकि वो जो शब्द आप चाहते हैं सिर्फ वही मेरे मुंह से निकलने पाए। आदर महिमा आपको देते हैं, इस विनती को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए, आमेन। सो जिस तरह मैंने कहा, यीशु का वह बलिदान एक परम बलिदान कहलाया जाता है। उसके ऊपर, उससे बढ़कर एक कोई भी बलिदान नहीं है। और अब उनके मारे जाने के बाद अब हमें कोई बलिदान करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई बलि चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, किसी जानवर की मृत्यु की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने शरीर से लहू बहाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पर ताड़ना देने की ज़रूरत नहीं है, हमें कहीं दूर दराज जाने की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ हैं वहीं हम पापों से छुटकारा पा सकते हैं। बस हमें करना ये है कि उसके नाम पर विश्वास करना है, इस बात पर विश्वास करना है कि वो हमारे खातिर क्रूस पर मारा गया। आज मैं चार बातें आपके सामने रखना चाहूँगी, जिसके द्वारा मैं बताना चाहूँगी कि यीशु का बलिदान क्यों परम बलिदान कहलाया जाता है। सबसे पहली बात है उस क्रूस के कारण। क्रूस में क्या खास बात है? आपको शायद लगता हो कि यीशु ही एकमात्र व्यक्ति है जो कभी क्रूस पर मारे गए हों। नहीं तो क्रूस में क्या विशेषता है? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि केवल यीशु ही क्रूस पर मारे गए थे, या क्रूस पर मारा जाना कोई अनोखी बात थी उस जमाने में। क्रूस पर मृत्यु दंड देना, यह तो फिनीशी लोगों ने शुरू किया था, जो कि यीशु के 600 साल पहले से ही किया गया था। उसके बाद मिस्रियों ने इसको इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने वहाँ पर जो कैदी थे, जो भी अपराधी थे, जो सबसे खूंखार अपराधी होते थे, उन्हें ये दंड देना शुरू किया। और आखिरकार रोमी सरकार के समय में इसका बहुत इस्तेमाल किया और उन्होंने इसे और भी क्रूर रीति से देना शुरू किया और अपने सबसे खतरनाक, सबसे खूंखार अपराधियों को क्रूस पर चढ़ाकर मृत्यु दंड देने लगे। और यीशु को यही एक मृत्यु दंड दिया गया।
यदि हम देखें तो क्रूस की मृत्यु सबसे शर्मनाक और सबसे दर्दनाक एक मृत्यु थी। क्रूस पर मारे जाना मतलब लोगों के सामने इस बात को का ऐलान होता था कि ये बहुत ही खतरनाक और एक बहुत ही क्रूर अपराधी है, इसके लिए कोई और आशा नहीं, इसके लिए सबसे बुरी सजा दी गई है। और इस तरह वो एक शर्म का कारण होता था। और हमारा प्रभु यीशु जिसमें कोई पाप नहीं था, वचन कहता है उसमें न पाप किया न मुंह से कोई छल निकला, पहला पत्रस उसके 2:22 में लिखा है, किंतु ऐसे एक यीशु को क्रूस पर बलिदान किया गया। इसके साथ साथ ये सबसे दर्दनाक मौत थी। जैसे मैंने बताया, क्रूस की मृत्यु ऐसी नहीं थी कि जैसे गला काट दिया जाए तो हम झट से वो मर जाते थे, जब उन्हें फांसी चढ़ाई जाती थी लोगों को तो झट से उनकी मृत्यु हो जाती थी, किंतु क्रूस की मृत्यु एक धीमी मौत होती थी, जिसमें जो अपराधी होता था, जिसे क्रूस पर चढ़ाया जाता था, वो तड़प तड़प कर मरता था, वो दर्द सह सह के मरता था। यीशु के क्रूसित करने वक्त उनके हाथों में कीले ठोके गए थे, यहाँ जो नसें हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी कीले, 4-6 इंच की कीले जो उनके हाथों को छेदते हुए उस लकड़ी के क्रूस के अंदर घुस गई थी। उसके पहले उन्हें 39 कोड़े मारे गए थे, और कहते हैं वो कोड़े इतने बुरे थे कि उस जो कोड़े मारे जाने के समय में उन पर उन पट्टियों पर हड्डियां और कीले बांधी गई थी, और हर बार जब वो कोड़ा मारा जाता था तो वो उसकी पीठ पर से मांस को खींच निकालता था। इतना दर्द, इतना खून बहाया यीशु ने, वहाँ उन्होंने ख़त्म नहीं किया, उसकी निंदा की, उसके मुंह पर थूका, उसके सर पर कांटों का ताज रखकर एक लाठी से सर पर मारा गया, सर से खून बह रहा था, पीठ पूरी छलनी हो गई थी, और फिर उसे वो क्रूस पकड़ाया गया जिस पर उसे चढ़ाया जाना था। वो किसी तरह उस क्रूस को लेकर चल रहा था, खून बहने के कारण वो बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। और वचन बताता है हमें, ये चारों जो हमारे सुसमाचार में इसके बारे में लिखा है, और जब वो चल रहा था गोलगोथा की पहाड़ी की ओर जहाँ उसे क्रूशित किया जाना था, रास्ते में वो गिर पड़ता है। वो इतना कमज़ोर हो गया था कि सैनिक समझ गए थे कि ये वो क्रूस उठाकर चलने लायक नहीं है, इसीलिए शिमोन को बुलाया गया जो एक कुरैना का रहने वाला व्यक्ति था, और उसने वो क्रूस उठाकर गोलगोथा तक पहुँचाया। लेकिन रोमी सरकार और उन लोगों की क्रूरता वहाँ ख़त्म नहीं हुई। उसे उसके कपड़े उतार लिए गए और उसे उस क्रूस पर उन लंबी लंबी कीलों का इस्तेमाल करते हुए 3 कीलों के सहारे उस क्रूस पर क्रूसित किया गया। कहते हैं वो क्रूस पर जब चढ़ाया जाता था तो वो व्यक्ति बहुत ही दर्द सहता हुआ मारा जाता था, उसको सांस लेते नहीं बनता था, उसका पूरा शरीर का वजन उन 3 कीलों पे होता था, उसके लहू बहने से वो कमज़ोर हो जाता था, किंतु मौत इतनी आसान नहीं होती थी। कई बार उस व्यक्ति को मरने में कई दिन लग जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब वो वहाँ लटका होता था वो व्यक्ति, उसके सर में भयानक दर्द होता था क्योंकि लहू इतना बह रहा है, जैसे मैंने कहा सांस लेने में तकलीफ़ होती थी, और यदि वो एक दिन से ज़्यादा लटका रहे तो उसे कड़ी धूप दिन की सहनी पड़ती थी, और रात के ठंड में वो उस क्रूस पर ही लटका रहता था, प्यास अलग, और इस तरह से वो तड़प तड़प कर मरता था। कई बार तो उसे जल्दी मारने के खातिर उसके पैरों की हड्डियां भी, टांगे भी तोड़ दी जाती थी। तभी तो हम देखते हैं जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था और उसने अपने प्राण त्यागे थे, तो वहाँ लिखा है कि एक सिपाही ने अपने भाले से उसके पसली के वहाँ छेदा, ये देखने के लिए कि वो सच में मरा है कि नहीं। कितना दर्दनाक दर्द, कितना दर्दनाक एक मौत यीशु ने आपके और मेरे खातिर सहा। आखिरकार हम इस दर्द को क्यों परम बलिदान कहते हैं, और आखिरकार क्रूस की ही मौत क्यों यीशु को सहनी पड़ी? क्या यीशु किसी और तरीके से नहीं मर सकते थे कि हमारे लिए एक बलिदान बन सके? कुछ कारण कि उनकी मृत्यु क्रूस पर ही क्यों हुई, वही इस कारण से है।
सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगी कि क्रूस की मृत्यु ही वो पुराने नियम के बहुत से जो भविष्यवाणियाँ थीं उन्हें पूरी कर सकती थी। यदि हम देखते हैं वचन में गिनतियों की पुस्तक उसके 21वें पद में बताया गया है कि जब इजरायली लोग मूसा उन्हें मिस्र से बाहर निकाल कर लाया था, उन्होंने लाल समुद्र पार कर लिया था और वो जो रेगिस्तान से होकर गुजर रहे थे तो उनकी आदत थी कुड़कुड़ाने की। जब पानी ना हो तो उसके लिए कुड़कुड़ाना, जब खाना दिया तो उनको मन्ना से खाना दिया जो स्वर्ग की रोटी थी, लेकिन वो उससे तृप्त नहीं हुए, उन्हें मांस खाने की इच्छा हुई। इस तरह उनकी इच्छाएं बढ़ती जा रही थी और वो हर चीज़ के लिए परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे थे। और इसी तरह जब एक बार उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाया तो परमेश्वर का प्रकोप उन पर उतर आया और रेगिस्तान में बहुत जहरीले सांप निकल आए जिन्होंने लोगों को डसा और बहुत से लोग मर गए। जब ऐसा हुआ तो लोगों ने अपने पाप को पहचाना और मूसा के पास आकर उन्होंने क्षमा मांगी और बोला, हे मूसा तू प्रार्थना कर, हमने पाप किया है। और जब मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो परमेश्वर कहता है कि तू एक काम कर, पीतल का एक सर्प बना, उसको एक बड़े से खंभे पर लटका और जो कोई सांप से काटा जाएगा यदि वो इस पीतल के सांप की ओर देखेगा तो वो बच जाएगा। यीशु ने स्वयं इस बात को कहा था कि जिस तरह वो सांप उठाया गया उसी तरह परमेश्वर के पुत्र को भी उठाया जाना है। और वह कह रहा था कि हाँ, वो भविष्यवाणी तभी पूरी होगी जब मैं क्रूस पर मारा जाऊँगा। इसके अलावा उसके कोड़े खाने जाने के और उसके उस दुख भोगने के विषय में यशाया ने बहुत ही अच्छी तरह से 53वें अध्याय में लिखा हुआ है। यदि हम पढ़ें भजन संहिता 22 में भी उसकी क्रूस की मृत्यु के बारे में लिखा है कि किस तरह उसके कपड़ों के लिए वो आपस में उसके कपड़ों को बांट लेंगे, किस तरह वो क्रूस पर दुख सहेगा। ये सारी भविष्यवाणी उस क्रूस की मृत्यु में ही पूरी होती है और इसीलिए उसको वो क्रूस की मृत्यु सहना ज़रूरी था। उसके प्राण किसी ने लिए नहीं, लेकिन उसने स्वयं अपने आप को उस क्रूस की मौत के लिए समर्पित किया, क्योंकि वो चाहता था कि उसके मृत्यु के द्वारा आप और मैं अनंत जीवन पाएं। जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर मनुष्य को नाश होते हुए नहीं देख सकते थे और इस खातिर उन्होंने अपने पुत्र से भी मुंह मोड़ लिया जब वो उस क्रूस पर लटकाए गए थे। इस तरह मैंने जैसे बताया, सबसे पहली बात है वो परम बलिदान इसलिए हुआ क्योंकि उसने उस क्रूस की मृत्यु को सहा। दूसरी बात, वो परम बलिदान इसलिए हुआ क्योंकि उसने आपके और मेरे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। वो स्वयं श्राप बन गया। यदि हम पढ़ते हैं इसराइलियों के जो वचन थे, जो न्याय की पुस्तक थी, उसमें ये लिखा था कि यदि कोई व्यक्ति वो पेड़ पर लटकाया जाए तो वो श्रापित है। और गलातियों में पौलुस इस बात को कहता है, गलातियों की पत्री 3:13-14 पद में वो कहता है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। यहाँ वचन साफ कहता है कि परमेश्वर चाहते थे कि यीशु के द्वारा जो आशीषें सिर्फ अब्राहम और उसकी संतान यानी कि इज़राइल के लोगों तक ही सीमित थी, वो आशीष अन्य जाति तक अर्थात आपके और मेरे तक पहुंच सके। और उसके लिए यीशु ने अपने आप को श्राप बना दिया। यीशु खुद जानते हुए अपनी सम्मति से अपने जीवन को, अपने प्राण को उन्होंने अर्पित किया। वह खुद एक श्राप बन गए ताकि आपको और मुझे उस श्राप से
छुड़ा सके। यह है वो परम बलिदान, वह जो क्रूस पर मारा गया, उस दर्दार और शर्मनाक उस मौत को उसने सहा, वह जो श्राप बन गया ताकि आप श्राप से बचकर आशीष को पा सकें। तीसरी बात जो बताना चाहूँगी वो है, उसने क्रूस पर उस मूल्य को चुका दिया जो आपको और मुझे चुकाना था। जब एक व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति किसी का बंधुआ हो तो उसको छुड़ाना है तो उसकी मूल्य को देना पड़ता है, उसको छुड़ाने के लिए कीमत देनी पड़ती है। और यीशु ने वही किया। हम जो पाप के अधीन थे, शैतान के अधीन थे, क्योंकि हम पाप में थे तो हम उसके बंधुआ थे, किंतु यीशु ने क्या किया, उसने अपने प्राणों के द्वारा उस मूल्य को चुकाया। उसने अपने प्राण दे दिए लेकिन हमें आज़ाद कर दिया, पाप के बंधन से आज़ाद कर दिया, शैतान के बंधुआई से आज़ाद कर दिया। आज हम आज़ाद हैं, बस हमें उस पर विश्वास करना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम आज़ाद हैं। परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप के लिए सिर्फ एक ही सज़ा है, वो मृत्यु। वो आपको और मुझे लेनी थी, किंतु यीशु ने स्वयं उसको ले लिया। वचन कहता है कि वो तैयार था उस बलिदान को देने के लिए। जिस तरह वचन में लिखा था पुराने नियम में कि यदि किसी जानवर का बलि चढ़ाया जाए, वो जो जानवर है वो निर्दोष होना चाहिए, वो निष्कलंक होना चाहिए। हमारा यीशु भी निर्दोष और निष्कलंक था। वचन बताता है कि न उसने कोई पाप किया, न उसने पाप जाना, न उसमें कोई पाप था, वह निर्दोष था, किंतु वो आपके और मेरे लिए बलिदान के रूप में क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने उस मूल्य को चुकाया जो शायद हम कभी ना चुका सकते थे। वचन कहता है कि वो स्वयं हमारे लिए बलिदान बना। तभी तो इब्रानियों में लिखने वाला कहता है कि यदि होम बलि और बैलों के लहू से छुटकारा मिलता तो वो हमेशा के लिए वो बलिदान बंद हो जाते, किंतु यीशु है जो हमेशा के लिए एक परम बलिदान बना और वो स्वर्ग में अपने पिता के दाहिने ओर बैठ गया है। अब हमें कोई बलिदान चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, अब किसी को लहू बहाने की ज़रूरत नहीं, किसी जानवर के लहू की ज़रूरत नहीं, किसी मनुष्य के लहू की ज़रूरत नहीं। वह निर्दोष मेमना यीशु स्वयं अपने आप बलिदान हुआ। उसने मूल्य को चुकाया। क्या क्या मूल्य चुकाया? यीशु ने सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठाया। यीशु न केवल शारीरिक दर्द सहा लेकिन उसने हमारे पापों के दर्द को भी सहा। तभी तो गतसमनी के बाग में कहा जाता है कि उसके सर से जो जब वो रो रहा था तो उसका पसीना लहू के रूप में था। क्या आपको लगता है सिर्फ क्रूस के दर्द को सोचकर उस तरह लहू बह रहा था? क्या वो सिर्फ क्रूस के दर्द को से डर कर परमेश्वर पिता से मांग रहा था कि हो सके तो इस कटोरे को हटा दे? नहीं, वो क्रूस के दर्द से नहीं डर रहा था, किंतु आपके और मेरे पापों का जो बोझ था वो इतना ज़्यादा था कि वो परमेश्वर से पूछ बैठा कि यदि हो सके तो इस कटोरे के हटा दे मुझसे। यीशु हमारे लिए श्रापित हुआ और आखिरकार उसने उस मूल्य को चुकाया वो परमेश्वर से जो अलगाव था, क्योंकि वचन में लिखा है जो कोई उस क्रूस पर टांगा जाए वो श्रापित है, और श्रापित का अर्थ उसका परमेश्वर से रिश्ता टूट जाता है। तभी तो प्रभु ने, यीशु ने क्रूस पर लटके हुए जब वो लटका हुआ था तो उसने जोर कर पुकारा, हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया? क्योंकि उसे मालूम था कि उस क्षण भर के लिए उसका पिता के साथ जो रिश्ता था वो भी टूट गया था, क्योंकि पिता ने अपने मुख को उसकी ओर से मोड़ लिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जगत से, वो आपसे और मुझसे इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भी इस संसार के लिए बलिदान देने से नहीं छोड़ा। रोमियो 8:32 में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा? वो क्यों न देगा? हम कई बार सिर्फ आशीषों के लिए जाते हैं, हमें आशीष चाहिए, हमें चंगाई चाहिए, हमें शांति चाहिए,
हमें ये दे दे, हमें वो दे दे, हम सिर्फ मांगते रहते हैं। जिसने अपने पुत्र को न रख छोड़ा, क्या वो इन आशीषों को रख छोड़ेगा? किंतु क्या आपने उस पुत्र को अपने जीवन में अपनाया है? हमने क्रूस को देखा, हमने देखा कि किस तरह वो श्राप बना, और हमने देखा किस तरह उसने मूल्य को चुका दिया। अब चौथी बात है जो आपको करना है, वह है चुनाव करना। क्या आपने यीशु को चुना है? क्या आपने उसे अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण किया है? आपको कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाना, सिर्फ इतना करना है कि अपने मुंह से अंगीकार करना है कि हाँ यीशु, आप मेरे पापों के लिए मरे और आपने क्रूस पर मेरे लिए चढ़ाए गए। इस बात को मुंह से अंगीकार करना, हृदय में मानना, हाँ कि तीसरे दिन आप उस मौत में से, उस कब्र में से बाहर आए विजयी होकर, और आज आप पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं। जब हम इस बात को अंगीकार करते हैं और उसको अपने जीवन में पुकारते हैं और अपना प्रभु बनाते हैं, तो वो हमारा प्रभु बन जाता है। क्या आज आप वो चुनाव करने को तैयार हैं कि यीशु, आप मेरे हृदय में आए हैं, आप मेरे जीवन में आए, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, अब मैं न लौटूंगा, न मुड़ूंगा, न संसार में वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके ही पीछे चलूंगा। यदि आप ऐसा निर्णय करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, प्रभु आपको शक्ति और बल दे उसके पीछे चलने के लिए। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए, हर एक व्यक्ति जो आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं प्रभु जी। प्रभु इन्हें आशीषित करें प्रभु जी। यदि आज इन्होंने एक निर्णय लिया है आपके पीछे चलने का, तो प्रभु आप इनके जीवन में प्रभु बनिए और इनका मार्गदर्शन करिए, ताकि ये अंधकार से ज्योति में जा सके, अनंत दंड के बजाय प्रभु अनंत काल के जीवन को पा सके, उस मृत्यु से जीवन की ओर, अनंत जीवन की ओर जा सके। यीशु के नाम में आमेन। आशा करती हूँ आज के वचन से आप आशीषित हुए हैं। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। जय मसीह की।